वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड से प्रभावित अर्थव्यवस्था को तेजी लाने के लिए कई आर्थिक घोषणाएं की। कुछ नई योजनाएं शामिल हैं इनमें, कुछ पुरानी योजनाओं का विस्तार किया गया। नए आर्थिक पैकेज में कोविड से प्रभावित सेक्टर्स के लिए नई घोषणाएं की गई। वित्त मंत्री ने कुल 6,28,993 करोड़ रुपए की आर्थिक राहत की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ही राज्य में अपनी ही पार्टी के नेताओं से भिड़ते चले जा रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश से पूर्व विधायक रहे राम इकबाल सिंह ने दावा किया, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हर गांव में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है। इसका कारण बताते हुए राम इकबाल सिंह ने कहा, पहली ही लहर से सबक न लेने के कारण ऐसा हुआ। बलिया जिले में रिपोर्टरों से बात करते हुए सिंह ने यह दावा किया। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बीएसपी के साथ गठबंधन की चर्चाओं को विराम दिया। एआईएमआईएम चीफ अजहरुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया के पोस्ट में कहा, अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ओम प्रकाश राजभर की भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। 12वीं के स्टूडेंट्स को जिस 30-30-40 फॉर्मूले से पास किया जा रहा है उस पर सीबीएसई की कमेटी एकमत नहीं थी। 17 जून को सुप्रीम कोर्ट में फॉर्मूला पेश होना था और 16 जून तक कमेटी मेंबर इसे बदलने के लिए बहस कर रहे थे। 13 सदस्यीय कमेटी में सीबीएसई स्कूलों से आए दो प्रतिनिधि और कुछ अन्य सदस्य फॉर्मूले से सहमत नहीं थे। 13 लोगों की कमेटी में से 9 नाम सामने आए थे। हमारी इनमें से 5 से बात हुई, कोई भी सदस्य अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहता था। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही सबसे कारगर हथियार, इस बात की पुष्टि मुंबई में 2,09,000 कोरोना मरीजों के सर्वे में हुई। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका 1 जनवरी से 17 जून तक 2,90,000 कोरोना मरीजों का सर्वे किया। इसमें पता लगा वैक्सीन का दूसरा डोज ही नहीं बल्कि पहला डोज भी बेहतर काम करता है। सर्वे के मुताबिक 2,09,000 लोगों में से 26 ही दूसरा डोज लगवाने के लिए कोरोना की चपेट में आए। 10,500 लोग पहला डोज लगवाने के बाद संक्रमित हुए। बीएमसी के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1 जनवरी 2021 से 17 जून 2021 के बीच करीब 40,75,393 लोगों ने मुंबई में वैक्सीन लगवाई थी। इसमें से सिर्फ 0.23% लोग ही कोरोना संक्रमित पाए गए। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 46,498 नए मरीजों की पहचान, 58,540 ठीक, 978 लोगों ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। 12 अप्रैल के बाद यानी 76 दिन में पहली बार ऐसा हुआ जब 1,000 से कम लोगों की मौत, 880 लोगों ने तोड़ा दम। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी रविवार को 13,034 हुई कम। अब कुल 5,68,048 मरीजों का इलाज जारी। दुनिया भर में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा। शनिवार को दुनिया में 3,68,541 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। इस दौरान 3,13,989 लोगों ने कोरोना को दी मात। हालांकि बीते दिन 7,526 लोगों के संक्रमण की वजह से गई जान। अगला T20 वर्ल्ड कप UAE में होना तय। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सोमवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की। बोर्ड सचिव जय शाह ने कहा, हमने सभी पहलुओं पर विचार किया। वर्ल्ड कप को UAE में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। ICC को आज ही इस फैसले के बारे में बताया जाएगा। सोमवार को भारतीय बोर्ड के पास वर्ल्ड कप के बारे में फैसला लेने का आखिरी दिन था। सोने के दामों में पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में उतार चढ़ाव देखा गया। हालांकि ओवरऑल देखें तो सोने में नकारात्मकता रुख दिखता है। पिछले कारोबारी सत्र में सोने में 66 रुपए की गिरावट देखी गई थी। इस मामूली गिरावट के साथ येलो मेटल 46,309 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया था। सोने में पिछले कुछ महीनों में रिकवरी देखी गई लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में सोने के भाव थोड़े कम हुए। घरेलू शेयर बाजारों के लिए हफ्ते के पहले कारोबारी दिन का अंत अच्छा नहीं रहा। बीएसई के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में 189 पॉइंट की गिरावट। बेंचमार्क इंडेक्स 0.36% की गिरावट के साथ 52,735 पर हुआ बंद। एनएसई का निफ्टी 0.29% यानी 45 पॉइंट की कमजोरी के साथ 15,814 पर रहा।